दोस्तों मैं हूं आकाश और आप लोग देख रहे हैं आकाश ब्लॉग एंड किड्स यूट्यूब चैनल। तो आज आ गए और एक नया वीडियो लेके आज आ गए पद्बपुर में एक बर्ड फार्म विजिट करने के लिए, पंक्षी का फार्म। ठीक है, तो पीछे उधर पद्बपुर स्टेशन है। तो मतलब हम लोग जाएंगे आज बेसिकली पंक्षी का फार्म विजिट करने के लिए। तो देख पा रहा है उधर पद्बपुर लिखा हुआ है उधर। ठीक है, तो आप लोग वीडियो के साथ एंड तक जुड़े रहिए और जो फ्रेंड चैनल में नए हैं चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करके रखिए, बेल आइकन को जरूर दबाएं नया वीडियो अपडेट पाने के लिए। आप लोगों का सब्सक्राइब, आप लोगों का स्वाद सपोर्ट ज़रूरत है। तो ठीक है, तो गुड मॉर्निंग सब लोगों को। तो वीडियो के साथ एंड तक जुड़े रहिए और क्लिक करके देखिए पूरा वीडियो। और ओनर जो दादा है, मतलब जो ब्रीडर है, उनका घर जाके बात कर लेते हैं उनका साथ। तो दोस्तों दादा का घर पहुँच गए। ठीक है, तो उनका साथ मुलाकात हुआ आज पहले पर। तो उनका नाम क्या है पूछ लेते हैं और सबसे पहले बात कर लेते हैं उनका हालचाल क्या चल रहा है। तो दादा आप कैसे हैं बताइए। अभी तो मैं ठीक हूँ। क्या है, अगले माह जो संडे चला गया वो संडे मेरा लड़का का थोड़ा तबीयत खराब हो गया था। वो 3 दिन ICU में नारायण में भर्ती हुई था। तो अभी वो भी ठीक है, मैं भी ठीक हूँ। अच्छा, और बच्चा का तबीयत खराब होने से आपको तो मालूम है कुछ अच्छा नहीं लगता। अच्छा नहीं लगता, ठीक। और दादा आपका जो लोकेशन है, ये लोकेशन क्या है? ये लोकेशन है जो हावड़ा है, वेस्ट बंगाल का अंदर हावड़ा, हावड़ा शिवपुर नियरेस्ट लोकेशन है। जो नबन्ना है ना हम लोग का इधर, और नबन्ना का बगल में, नबन्ना का बगल में। हाँ हाँ, अच्छा। अगर कोई दादा आपका ये लोकेशन में सियालदा से आना चाहते हैं तो कैसे आएगा? तो सियालदा से डायरेक्ट बस है कैरी रोड का। और एक मेरा इधर आने का एकदम सबसे आसान उपाय है जो हम लोग का 2nd ब्रिज है, द्वितीय हुगली सेतु जिसको बोलता है हम लोग। वो ब्रिज का टोल टैक्स क्रॉस करके जो पहला स्टॉपेज है वो मेरा घर है। इधर कोई पंक्षी सेलिंग के लिए है इधर? ना, इधर कोई भी बर्ड्स फॉर सेल के लिए नहीं, सेलिंग के लिए नहीं। अच्छा। अगर आप जब सेलिंग करेंगे पंक्षी, आपका तो एक YouTube चैनल है। हाँ हाँ, उसका माध्यम से ही पता चल जाएगा। हाँ हाँ हाँ। अच्छा। तो आपका जो चैनल का नाम है वो थोड़ा बता दीजिए। मेरा जो एक YouTube चैनल है उसका नाम है हावड़ा बर्ड लवर्स एंड ब्रीडर्स। हावड़ा बर्ड लवर्स एंड ब्रीडर्स। ओके दादा, तो दादा का एक यूट्यूब चैनल है, आप लोग विजिट कर सकते हैं। उधर सब अपडेट आते हैं ना। हाँ, उधर सब अपडेट आते हैं। मैं भी व्यूअर्स हूँ उनका। ठीक है, तो वीडियो देख के ही मैं कॉन्टैक्ट नंबर क्या देंगे? कॉन्टैक्ट नंबर मैं आपको बोल दूंगा। अच्छा, मैं डिस्प्ले में दे दूँगा। तो दोस्तों चलिए देखते हैं आज का कलेक्शन बिना स्किप से। आज का वीडियो दोस्तों पूरा देखिए, पूरा पंक्षी। इधर मेरा पाँव का नीचे में है। ठीक है, और देखिए ये बर्ड फार्म, हावड़ा बर्ड फार्म। ठीक है, आप लोग विजिट कर सकते हैं। आप लोग तो बहुत ही अच्छा लग रहा है। इधर मैकाओ, सनकनूर सब बर्ड है इधर। आप लोग पूरा देखिए वीडियो, एंड तक देखिए और चैनल के साथ जुड़े रहिए। मैं रोज़ वीडियो दे रहा हूँ इसीलिए बोल रहा हूँ। और आप लोगों का स्वाद सपोर्ट ज़रूरत है। और आप लोग प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए और दादा का चैनल भी सब्सक्राइब कर दीजिए। ठीक है, और ठीक है दोस्तों, देखते हैं आज का कलेक्शन और घूम के देखते हैं और आप लोगों के साथ कुछ मेमोरीज शेयर करते हैं इस वीडियो के माध्यम से। आप जो पंछी जो पालते हैं कितना साल हो गया? पंछी तो मैं बचपन से पालता हूँ, बट ये जो एग्जोटिक बर्ड्स है ना ये 7-8 साल ऐसा हुआ है। 7-8 साल हो गया। हाँ, और मैकाओ ये सब जो पालते हैं। हाँ, मतलब ये सब पंक्षी का जो खाना देते हैं। हाँ, रोज। हाँ, कितना मतलब कितना टाइम आप देते हैं रोज खाना? तो मैं 2 टाइम देता हूँ। जैसे अर्ली मॉर्निंग सुबह 7 बजे के अंदर मैं इसको जो सॉफ्टवेयर होता है जैसे चना हो गया, काबली चना हो गया, मूंगफली हो गया, मतलब जो सब पानी में भिगोया जाता है वो सब मिला के उसका साथ बीट, कैरोट, बीन्स, सब हर किस्म का वेजिटेबल्स मिक्स करके उसका साथ कोई भी एगो फ्रूट्स, गुआवा या पपाया मैं देता हूँ। अच्छा। हर रोज बेस्ट फूड क्या है दादा? इसका जो देखना होगा कौन बर्ड्स क्या खाने में पसंद करते हैं। जैसे सनफ्लावर सीड हर एक बर्ड्स को सबसे ज़्यादा पसंद है। अच्छा। बट वो ज़्यादा नहीं दे सकता ना। अच्छा 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 अच्छा, मतलब ज़्यादा देने से मतलब प्रॉब्लम हो जाएगा। हाँ, ब्रीडिंग के लिए प्रॉब्लम होता है, ब्रीडिंग के लिए प्रॉब्लम होता, ज़्यादा फैट हो जाएगा, फैट होने से ब्रीडिंग में अच्छा प्रॉब्लम होगा। अच्छा दादा, और एक क्वेश्चन है, मतलब अगर कोई आपका साथ कांटेक्ट करेंगे तो मतलब क्या खाना देंगे क्या नहीं देंगे, सजेशन है कि हाँ वो आप दे देंगे? हाँ, वो मैं जितना जानता हूँ तो मैं ऑलवेज शेयर करूँगा। अच्छा दादा, उसमें कोई असुविधा नहीं है। बट क्या है, बहुत सा पर्सन ऐसा है जो इंडियन बर्ड्स के बारे में पूछता है, तो इंडियन बर्ड्स रखना कानूनन जुर्म है, तो उसका बारे में मुझे कुछ आइडिया नहीं है, मैं बता भी नहीं सकता हूँ। अच्छा अच्छा, ये नॉर्मल फूड है क्या? ये सीड मिक्स है, सीड मिक्स नॉर्मल है ना? इसको मैं शाम का वक्त देता हूँ। अच्छा, बट आप लोग आए हैं इसलिए इसको दे रहा हूँ। अच्छा अच्छा अच्छा, ये नॉर्मल दुकान में मिल जाएगा ना? ये नॉर्मल इधर नहीं मिलता है। अच्छा, ये मैं गुजरात राजकोट से मंगाता हूँ, गुजरात राजकोट। हाँ, आपके पास फूड मिल जाएगा अगर कोई लेंगे मांगेगा तो? फूड क्या है, मैं अपना बर्ड्स के लिए लाता हूँ। अच्छा, थोड़ा बहुत अगर आप लोग को ज़रूरत है तो मैं दे दूँगा। अच्छा, हमारे स्टॉक में सब समय 2-4 बस्ता रेडी है, 2 बस्ता रेडी है। हेलो हेलो हेलो, बोलो क्या है? हेलो मेरा फोन क्या एविंगटा चलो, ये चलो। हाँ, ये चलो चलो चलो। चलो चलो हाँ हाँ ভালো আছে। हेलो 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 हेलो। ये आपने आप बोलते हैं ना, ट्रेनिंग दिया आप ना? ट्रेनिंग तो दिया है। अच्छा, बचपन से इसको हम सिखाया है। अच्छा, तभी अपने आप बोलते हैं। तभी अपने आप बोलते हैं। आपका पास एक पीसी है? अभी एक पीसी है। नाम बताइए एक बार। हेलो गोल्डी, इसका नाम गोल्डी है। गोल्डी। और इसका ओरिजिनल नेम क्या है? ग्रेट सनफर् कोकाटो। और जो मैकाऊ है अभी दो, अभी छः। अच्छा, ब्रीडिंग के लिए है। अभी चार को उसका अंदर है। ओह, अभी छः। जाओ जाओ। এখন ডাকছে না। ये देखिए दोस्तों, ये अभी बच्चा है ना दादा, अभी बच्चा है, वन टाइम फीडिंग दे रहा, अच्छे सब खा रहा, पर फिर भी मैं इसको वन टाइम फीडिंग देता हूँ। अच्छा, अभी बच्चा है, बच्चा मैकाऊ है, अभी एडल्ट नहीं हुआ। वो देखिए और एक है, और एक, और अंदर भी एक है, मतलब तीन इधर और बाहर में दो और चार था, इधर चार था, पार्टी को दे दिया। और इधर क्या है, बीडिंग सेटअप है क्या इधर? अच्छा, और देखिए इधर ब्लू येलो साइडेड का बच्चा हुआ है, ब्लू येलो साइडेड। अच्छा, इसका बच्चा अब ये कितना दिन हुआ? ये तो आपका 24/6 को अंडा ले किया था। अच्छा, उसका बात का ही ओ 26/6 का। उस ऊपर में भी है, देखिए, देखिए इधर चार चिक्स है, एकदम छोटा छोटा। बाद में बच्चा अभी दिखाई दे रहा है, ये देखिए, देखिए पाइनएप्पल का बच्चा है, मतलब पाइनएप्पल बर्ड का, पंछी का बच्चा। इधर मेल फीमेल दोनों ही है ना? हाँ। पेरेंट्स है और ओ अंडा है। हाँ। अभी वो भी हैच होगा। कितना दिनों में हैच होते हैं अंडा? 21 डेज लग दे। पेरेंट्स है, उसका साथ चार बच्चा है, निकल गया। सनकनूर अभी ब्रीडिंग में बैठा हुआ है। मार्केट में दादा बोल रहा है बहुत ही डिमांड है, ये देखिए अभी छोटा कनूर में सबसे ज्यादा डिमांड यही है इसका। इसको बोलते हैं सनचीक। इसका कलर देखिए, इसका लाल जितना अच्छा होगा ना, डिमांड उतना अच्छा रहेगा। अच्छा अच्छा, वीडियो अभी इधर ही एंड कर देती हूँ अभी। तो ठीक है, कैसा लगा वीडियो कमेंट करके जरूर बताइए, सिस्टर कैसा लगा कमेंट करके वो भी जरूर बताइए कमेंट सेक्शन में। तो मेरे को बहुत ही अच्छा लगा, बहुत ही अच्छा है। तो ठीक है, बहुत इंतज़ार करके आज मुलाकात हुआ। तो आप लोग आइए, विजिट कर सकते हैं इधर। विजिट करने के लिए ऑलवेज वेलकम है सब लोगों को। तो कमेंट करके जरूर बताइए कौन सा बर्ड अच्छा लगा, कौन सा पंछी अच्छा लगा, वो भी कमेंट करके जरूर बताइए। तो ठीक है दोस्तों, बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों पूरा वीडियो देखने के लिए। तो आपका दिन शुभ जाए और दोस्तों आप लोग स्वस्थ रहिए।